हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग एजी प्रोडक्शन पीके जी। मैं हाँ अजीम बुखारी। अज की आप जी मित्रों वीडियो देखने चले हैं जी, वो सिद्धू मूसेवाला दे फादर दी स्पीच आ बेसिकली जी उन्होंने सिद्धू भाजी उन्होंने भोग से आई थिंक के स्पीच की आ ठीक आ उन्होंने भोग से ठीक आ एक ना मतलब कि तुसी बड़ी सेंटी जी मतलब जिमें ना अपना घर का बंदा जिमें ना हुंदा ना एक टुर गया होवे ते एक सैडनेस जी छा गई होवे, मतलब हर कोई काम करन नू दिल ना करे, मतलब टुरते फिरते सोच रवे उधर नू। सच पूछो ते इस तरह की फीलिंग चल रही है, मैं यकीन जानो आ दो तीन दिन तो ना मतलब कि एक बहुत ही दिल नू जिवें धचका जिहा नहीं लगा हुंदा कि नहीं यार, वो नहीं यार इंज नहीं हो सकता, ये वो वगैरह वगैरह। तो बड़ा टफ सीगा ते थाडे नाल भी तुसी जाहिरी गल आ कि तुसी पंजाबी उत्थे दे रहण वाले पंजाबी, तुहानू रियलाइज़ होया होना कि यार कुछ ना वड्डा इंसीडेंट हो चुकिया जो होना नहीं चाहिदा सी, जो असी शायद ही मतलब कि लास्ट डिकेड ते कोई इस तरह का मतलब कि कोई इंसीडेंट ना सुनिया होवे जिवें दा इंसीडेंट आ होया। बहुत वड्डा इंसीडेंट सीगा आला ऐसे बंदे दा मतलब कि मर्डर करना, जड़ा दिलों साफ जड़ा मूँह तो साफ है, गल करता सी ठुक के मूँह ते करता हुंदा सीगा। बाकी हुण चल के इन्हां दे फादर दी आपां वीडियो स्पीच जिहड़ी है ये सुनते हैं ते लेट्स सी। इस तरह बड़े प्यार सत्कार नाल जुड़े रहना सरदार बलकौर सिंह जी, सिद्धू मूसेवाले दे सत्कारयोग पिता जी और उन्हां दे माता जी, वो संगत दे सामने आउणगे ते आईयां होईयां सारियां शख्सीयतां दा समुचे रूप विच ते संगतां दा धन्नवाद करनगे जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हजूरी विच पहुंचे हुए, बेटे दी अंतम अरदास ते पहुंचे बख बख राजनीतिक दलां दे आगू साहिबान, बख बख पूरे भारत वर्ष चो सारियां ही स्टेटां तो सिद्धू नूं प्यार करन वाले भैण भरा, सारियां ही संस्थावां क्लब जिन्हें भी तुसीं इत्थे पहुँचे हो, एक बार गुरु की फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भरावो 29 मई नूं ऐसा मनहूस दिन चढ़िया सी जिस दे अनुसार ये भाणा वरत गया, पर तुहाडे प्यार ने तुहाडे वल्लों जो हंझू बहाए ने उसने मेरा दुख काफ़ी हद तक घट किया। ये घाटा जे मैं तुहानू कहाँ भी मैं आसानी नाल पूरा कर लूँगा या सहन कर लूँगा तो ये सब कहन दियां गल्लां तो हो सकदियां है, पर इसनू मेरा परिवार ही समझ सकता है अज असी कित्थों ते कित्थे पहुँच चुके हैं। गुरु साहब दे हुक्म ने गुरबाणी सानू दसदी है एक उही रस्ता बचा, गुरु साहब तो सेध लेके दशमेश पिता तो सेध लेके कोशिश करूँगा अगली जिंदगी नू रोड़न दी, अगली जिंदगी नू शुरू करन दी। सच्चे पातशाह गुरु साहब तां शक्तियां दे मालक सी, संत सिपाही सी, गुरु सी, वह तो इन्नी झल गए पर मैं इन्नी जोगा दुनिया भी नहीं सी, पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे है, जिंदगी नू हर हालत में चलती रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करना। जितों तक शुभदीप का सवाल है, वो एक बड़ा सीधा साधा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक हुंदे आ इस तरह का उहदा जीवन सी। भरावो नर्सरी दे विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तो मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जांदी सी, उन्हां समयां दे विच साधना की बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते कदे अपने स्कूटर ते छड के
कदे 2.5 साल का सी 3 साल का जो सैकंड क्लास के पढ़ता सी मैं फिर विभाग के बीरों नौकरी करदा उधरों आगे लग गई उधरों मैं छड़न गया हुआ मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा पुत्रा जा तू पढ़ेगा जा मैं नौकरी करूँगा। असी छोटा जा साइकिल लेता तुसी यकीन करो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया बच्चे ने प्लस टू तक साइकिल चलाया डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत के नाल भरिया पिया है कित भी मतलब पैसे दिया तंगिया तुरछियों के नाल असी बड़ी असी दो भरा सू 5-5, 6-6 किले पिता पुरखी जमीन आँदी सी कोई पैसे की भी कोई आप कह दिए भी ज़्यादा अमीर वाली गल नहीं सी बिरों खिचता धू करके अपना टाइम पास किया। इन्हों हालातों चो मैं बच्चे इतों तक लेके आया कदे जेब खर्च भी इस बच्चे पूरा नहीं मिलया सी पर इन्हें अपनी मेहनत सदका प्लस टू की नॉन मैडिकल दे नाल उस तो बाद ग्रेजुएशन करन वास्ते लुधियाना जी गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया उपरंत आईलैट्स करके बाहर चला गया। भीरो सारी डिग्री करन उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया जेड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा जदों कोई जेब खर्चा मुकदा कदा गाना सेल करता ते आपदा टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुँच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब दे विच पर्स नहीं रख्या। देखो जदों भी कोई 1000 की लोड़ है 2000 की लोड़ है पापा दिओ पैसे मिल इन्नी निम्रता इन्ना प्यार मैं कहना जिन्ना साडे हिस्से आया शायद ज़्यादा करन करके जल्दी मुक गया मैं महसूस करदा। ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है कदे भी पैरी हाथ लाए तो बिना आग्या लाए तो बिना गड्डी दी सीट ते बैठ भी जाना माँ माँ कह के बोल मारते रहना जब तक माँ बुक्कल च ना लेंदी कन्न थले टिक्का ना लाउंदी कदे घरों नहीं चलिया सी वीर 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि माँ पिंड विच मर्ग हुई सी किसी दे बैठन चली गई पर मैं घर विखे सी मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं मैं खेतों आया सी ते तुसी आराम कर लो नहा धो लो मैं 5 मिंटा जी बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा ओ मैं हमेशा परदे दी तरह परछावा बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी ते आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंझ गया ते अज मेरे हथ वो समा नहीं लग रहा मैनू बार बार पछताउन तो अलावा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वीरो तुसी सरकारां दे मालक हो सारे लीडर साहिबान बचे हो मेरे पंजाब नूं इस अग चों कढ लो अज मेरा उजड़िया कल किसी का होर ना उजड़े मेरी थोड़े सारिया के हम अगे हथ बन के बेनती है कि मैनू हले तक ये भी नहीं पता भी मेरे बच्चे का कसूर की सी कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो अपनी समाजिक रीत आप उलंभ वो माँ बाप को दे के आने भाई भाई तेरे बच्चे ने आ डोलिया बिगाड़िया सब इनू कंट्रोल कर मेरे को अज तक भी एक भी फोन कॉल जा किसी का कोई उलंभा मेरे को अज तक नहीं आया सी दोने जी बैठे मैं गुरु ग्रंथ साहब वाल हथ करके कहना मेरा बच्चा मेरे गल लग के रोया भी पापा मैनू एक गल दसो हर एक चीज़ मेरे नाम नाल क्यों जुड़ जाती है मैं किसी का भी माड़ा नहीं किया मैं उदो फिर भी मैं यकीन नहीं किया भी नौजवान बच्चे है कई बार माँ बाप को नहीं पता होंगे कोई छोटी मोटी गलती कर जाते हैं मैं क्या मेरे सिर पर हथ रख के सहु खा आपकी माँ के सिर पर हथ रख के सहु खा दोनों हाथ है रखा के कहा भी तू कदे भी किसी का कोई फोन कॉल जां किसी चीज़ में बोलता नहीं है कहना नहीं है फिर मैं कह तेनू डरन की लोड़ नहीं है अपना परमात्मा ते विश्वास है अपना कोई माड़ा नहीं करता वीरो जे आपां कोई गलत काम करते हुई तो शैतान बंदा अपनी सौर सुरक्षा करता है जे मेरा बच्चा कदे किसी कितें गलत भी हुंदा तो वह कला गड्डी लेके कदे नहीं आता सी वो नाल 5-7 गनमैन भी रखता चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखते सी क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी असी पिछ छोटी मोटी जिहड़े हालात बिगड़ते कंट्रोवर्सियां चलदियां रहियां उन्हां तो असी इन्ने ज़्यादा परेशान सी पर सोशल मीडिया की कृपा भी इन्नी रही भी छोटी जी गल हुंदी नहीं तो उहनूं बधा चढ़ा के
पेश करी जाना। सोशल मीडिया से मेरे बुरे हाथ बन के थोड़े बुरे बेनती है वीरो दुख असी पुत का जर लेंगे थोड़े ना वादा करता गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी असी अपनी जिंदगी किमें ना किमें रोड़न का हीला कर लेंगे पर मेरे परिवार को मेरे पुत के सिवे उत्ते बख बख खबर ना बनायो उन्हू कि कहानियां बना बना के स्टोरिया ना पायो। मैं पुत गुआया जो मैं देखना मैं फोन नहीं देखा वीरो जिदन की घटना हुई है मैं जो पढ़ता मेरा हिरदा बलूंदरे जाता है। मेरा बच्चा बेहद संत साध सुभा का बच्चा सी वो कदे भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहता सी पर उदा अपना हो बैठा है क्योंकि जे उदे मन दे विच कोई भी पुन पाप हुंदा जां उन्हूं किसी गल तो खतरा हुंदा तां वो अपनी सुरक्षा का होर भी प्रबंध कर सकता सी वो बुलंदियों ते पहुँच के अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख सकता सी। तुसी खा मखा हरेक चीज़ नूं खबर ना बनाया करो कदे तुसी भाई राजे बारे कुछ बोल दिंदे हो कदे किसे वीरो साडी जिहड़े परिवार ने मदद करी है जिहड़ा भरा दो साल तो साडी मदद करदा रहा है की कसूर हो गया जे असी उहदा तुसी नां लै लै के बुरा भला बोल दो मैनूं बहुत बुरा लगता इस गल तों वीर बन के सानू सिद्ध मैं तुहानू सारयां नूं क्लीयर कर दिंदा क्योंकि तुहानू सारे तुसी सुणन वाले सारी गल सुनना चाहुंदे हो। सिद्धू दा नूं इलैक्शन 'च कोई नहीं लेके आया सिद्धू नूं उहदा इलैक्शन लड़ना अपना मन सी मैं भी रोकिया भाई राजे ने भी रोकिया उहनूं भाई तेरे बस की गल नहीं तेरा बड़ा वधिया फ्यूचर चलता सानू तो एक हल्का जाता तो तू तो दुनिया से मशहूर है उहदा अपना फैसला सी वीरो एवें ना किसी नूं बुरा भरा बोलिया करो मेरी थोड़े चरणां 'च हथ बन के बेनती है वीरो पहाड़ जिड्डा दुख है कहना सौखा है ये कर लेंगे वो कर लेंगे पर जिंदगी दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होया पर शायद मैं सोचता हुंदा सी भी बंद एक अद्धा पड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा चाहे बचपन आ जाए चाहे बुढ़ापा आ जाए चाहे जवानी आ जाए पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ मैं बचपन भी माड़ा वेख्या मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा चलो फिर भी अपने कोई कर्मां दीआं तकदीरां दे कोई मैथों गऊआं दे वाड़े नूं अग लगी होनी है कदे कोई पाप होया होना मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं बेनती करदा वी सच्चे पातशाह अणजाण बच्चा समझ के होईआं पुल्लां दा परिवार ते हथ रखियो किसे भी वीर नूं कदे कोई सिद्धू ने वीर बच्चे ने कुछ शब्द माड़ा चंगा बोलता होवे मेरे परिवार ने कदे किसे नूं बोलता होवे मैं सारयां तों हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा वीरो तुसीं एवें जिवें सिद्धू नाल प्यार बनाई रखियो मैं वादा करदा जिन्नी कि मेरे च हिम्मत बची है मैं अपने बच्चे नूं सिद्धू तां नहीं बन सकदा पर उहदे कदमां ते चलण दी कोशिश करूँगा मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू नूं मैं 5-10 साल तक जिउंदा रखा क्योंकि सिद्धू गीतां राहीं तुहाडे कन्नां दे विच वजदा रहूगा मेरा तुहाडे नाल वादा इस गल दा मैं जिन्नी हिम्मत दे नाल पुत दा संस्कार कीता उन्नी हिम्मत दे नाल सिद्धू नूं तुहाडे नाल हर आखरी साह तक जोड़न दी कोशिश रखूँगा फिर भी कोई किसी ज़्यादा कोई वध घट बोल गया होवां वीरो अणजाण दुखी बाप समझ के माफ़ कर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अल्फाज नहीं है मेरे को ना मतलब कि मैं गल की करा किधरों मैं शुरू करा यार उन्हां दे फादर दीआं गल्लां सुन के थानू रियलाइज हो गया ना यार किड्डा सीधा बच्चा सीगा लाइक बच्चा जो स्कूल से जाना सैकल उन्होंने दसते सी नर्सरी के प्रैप से पता नहीं 1-2 से सैकल लै के दी तो सैकेंड स्टैंडर्ड तक उही सैकल इन्हें रखी उही 24 किलोमीटर आना जाना ट्यूशन जाना बड़ी ही मतलब कि सादगी की एक लिमिट होंगी ना यार सिद्धू वाकई बहुत सादा आ बंदा सीगा उन्हें कदी उहदे मैं सोशल मीडिया से यह नहीं देखा कि उन्हें कंड पिछे कोई गल करता हो प्रोपोगेंडा चलांदा हो गल करनी उन्हें लाइव आना मूँह तो गल कर जानी गल करनी लाइव आना मूँह च उन्हें जवाब दे देना या वैसे डायरेक्टली ऑडियंस के सामने ढकया नहीं कभी किसी अगे यही चीज़ सीगा जट्टां दा मतलब कि देखो यार होर की गल हुंदी आ कि तुसी इन्नी हाइप क्रिएट करन तो बाद अपना पिंड नहीं छड्ड दे अपने नाम दे अगे मूसे वाला लगा दिंदे आ पिंड दा नाम अटैच कर दिंदे आ मगर पिंड नहीं छड्ड दे अज्ज कल दा जिहड़ा ट्रेंड चलिया होया ना कि थोड़ी जी
ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੇਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਸਟ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾਵੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੋ, ਮਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।